ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ। जैम भाई नाश्ता ले लिया, नाश्ते का सामान प्यारे लग रहे हैं जैम भाई, और मैं तो एज यूजुअल बहुत जबरदस्त, लाइक ऐसे जैसे यूरोप है। अस्फहान में ये माहौल है तो जब तेहरान इससे भड़के हो। खुल गई है आंख, और आज का प्रोग्राम ये है कि इंजमाम और एहसान इन दोनों को बुलाएंगे अपने घर। हालत मेरी अभी ऐसी है कि मुंह भी नहीं धोया, ऐसे उठ गया हूँ, बाल शाल कुछ नहीं बनाए। मैं और जहीन भाई अब जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा सामान लेते हैं, गोश्त वगैरह, और फिर खाना बनाएंगे इंजमाम और एहसान के लिए। उसके बाद चलेंगे होटल, उनको वहाँ से पिक करेंगे और फिर आएंगे घर और साथ में खाना खाएंगे। तो आज का शेड्यूल ये है, दिखाते हैं आपको सारा कुछ। जहीन भाई मुकम्मल नींद में, ये आप देख सकते हैं जाते हुए, ये असल में नींद में थे और मैंने इनको नींद से उठाया और मैंने कहा चल यार मार्केट चलते हैं सामान लेते हैं, तो मेरी बात मान के उठ तो आए, लेकिन इनकी हालत ऐसी नहीं है कि मैं व्लॉग में रहूँ, लेकिन लाऊंगा ज़रूर इन्हें। तो मार्केट आ चुके हैं, ये मार्केट अभी तो काफ़ी बंद है, एक दो दुकानें शायद खुली हुई हों, वहीं से सामान लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं खाना बनाना। जहीन भाई खाना बनाएंगे आप? यार मुझे नहीं आता खाना बनाना। ओके जहीन भाई का ऑर्डर देखा है फुल गुस्से में, क्योंकि इनको नींद से मैंने उठा दिया। दुकानें देख सकते हैं आप सारी की सारी बंद सिवाय इस एक के। तो लेते हैं इधर से सामान और चलते हैं फिर। ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ, आए हैं इस दुकान पे लेकिन इसके पास भी वो तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो हमें चाहिए। गोश्त वाली दुकान पीछे है वो भी बंद है, सब्ज़ी वाली दुकान भी बंद है। क्यों? आज जुम्मा है तो जुम्मे वाले दिन कुछ भी ओपन नहीं होगा। तो प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि यहाँ से सामान लेते हैं थोड़ा बहुत और चलते हैं जहीन भाई और मैं नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद दोबारा से निकलेंगे मार्केट की तरफ, क्योंकि अभी सारी दुकानें बंद हैं। हो सकता है जुमे की नमाज़ के बाद शायद कोई चीज़ खुल जाए। जहीन भाई परेशान ठहरे हो, नाश्ते का सामान ले लिया? हाँ यार ले लिया, बस दूध और अंडे लिए हैं। दूध और अंडे लिए, अब रोटी जा रहे हैं लेने। तो रोटी की तरफ चलते हैं, ये सामने नॉनवाई है और इधर से लेंगे अब रोटी। और यहाँ पे आगा मौजूद है, रोटी छोटी पका रहे हैं। ये देखें और इस तरह से पक पक के रोटियाँ बाहर आ रही हैं। तो ईरान में रोटियों का सीन ये है, प्याज वगैरह काट लिए और अब है बारी मक्खन की। डालो अतर भाई। तो रेडी हो चुके, कपड़े शपड़े पहन लिए, फुल प्यारे लग रहे हैं जहीन भाई, और मैं तो एज यूजुअल। आर यू सीरियस? और आपका स्टेप ये है कि जा रहे हैं इंजमाम और एहसान दोनों को उठाते हैं और फिर चलते हैं उनको लेके कहीं होटल पे। पहले प्रोग्राम ये था कि घर में ही खाना बनाएंगे, लेकिन जुमा होने की वजह से तमाम के तमाम शॉप्स दुकानें बंद थी, तो कोई सामान हम ले नहीं सके, तो बाहर ही अब कहीं रेस्टोरेंट पर खाना खाएँगे। ये आइडिया वैसे जहीन भाई का था, इन्होंने मेरी ही मैचिंग की शर्ट पहनी, थोड़ी बड़ी मैच हो रही है। तो बस आ चुकी है और बैठते हैं बस में, बाहर तो काफ़ी धूप है और गर्मी भी है, तो ये बस आ चुकी है और जहीन भाई अंदर बस में भी बैठे हैं। उन दोनों को भी मैंने कॉल कर दिया कि तुम लोग सीओ से पुल पे पहुंचो, हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे इस पहाड़। भाई और मैं पहुंच चुके हैं सीओ से पुल पे, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि उन दोनों को सीओ से पुल का रास्ता नहीं मिल रहा, तो हमें ही जाना पड़ेगा नक्शे जहां की मार्केट में वो मौजूद हैं और वहां से उनको रास्ता नहीं मिल रहा। तो जहीन भाई और मैं अभी सीओ से पुल से होते हुए चारबाग, चारबाग से होते हुए नक्शे जहां पहुँचेंगे, उनको वहाँ से रिसीव करते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। चलें जहीन भाई, चलें चलते हैं। ये सीओ से पुल,
years later. जद्दोजहद के बाद एहसान भाई और इंजमाम भाई मिल चुके हैं और अब चलते हैं। मेरा तो पेट दर्द कर रहा है भूख से इन दोनों के इंतजार में, और इन दोनों को ढूंढते ढूंढते जईम भाई और मुझे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब चलते हैं किसी रेस्टोरेंट पे, उधर बैठते हैं, खाना शाना खाते हैं, फिर नेक्स्ट शेड्यूल बनाएंगे इस्फहान में कौन सी जगह पर विजिट करना है और इनको कौन सी जगह दिखानी है। बिल्कुल, हम तो यहाँ देखने के लिए आए हैं, हसीन लम्हे अपने इस कैमरे के अंदर कैप्चर करने के लिए। कैसा लग रहा है इस्फहान? बहुत जबरदस्त, लाइक ऐसे ही जैसे यूरोप है। सच में? सच में बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त है। यानी मिडल ईस्ट का ये यूरोप? हाँ, ऐसे कह सकते हैं, मिडल ईस्ट का यूरोप कह सकते हैं, मिनी यूरोप कह सकते हैं इसको। अच्छा, माहौल अच्छा है इसका, मतलब आपको पसंद आया इस्फहान? बहुत पसंद आया। इस्फहान में ये माहौल है तो जो तेहरान इससे भड़के होगा, जो दार हुकूमत है। आ चुके हैं पिज्जे, एक है हमारे पास बीफ का तुर्की पिज्ज़ा और दूसरा बीफ का ईरानी पिज्ज़ा, दोनों स्पेशल पिज्जे इस जगह के। और ये सब नौजवान तैयार खाने को, भूख लगी हुई है? हाँ, टूट पड़ो। खाना खाने के बाद चलते हैं दोबारा से सी एस ए पुल की तरफ और सी एस ए पुल का नाइट व्यू देखते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा खूबसूरत मंज़र है सी एस ए पुल पर, कितनी खूबसूरत लाइट्स, कितनी ज़्यादा आवाम आ चुकी है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा मंज़र। आखिर पर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।